तो दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं ओट्स का चीला, जिसे हमने एक कटोरी पानी में भिगो कर रख लिया है। 5 से 10 मिनट भिगोने के बाद उसमें हम मिक्स करेंगे प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, 1 चम्मच बेसन, हल्दी, लाल मिर्च और भुना जीरा। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर ज़रूरत पड़े तो इसमें हम पानी भी थोड़ा सा ऐड कर लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी चेक करेंगे। देखिए कितनी अच्छी कंसिस्टेंसी हो चुकी है इसकी। इसके बाद हम ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक। इसमें ऑलरेडी मसाला ओट्स में ऑलरेडी नमक होता है, तो आप नमक कम ही यूज़ करिएगा। इसे 5 मिनट रेस्ट देने के बाद तवे पर तेल या घी डालकर अच्छे से गर्म कर लीजिए। उस पर ये बैटर डाल दीजिए रोटी की शेप में और दोनों तरफ से सेक लीजिए। देखिए कितने अच्छे से दोनों तरफ से सिक चुका है। ये चीला बहुत हेल्दी और बहुत टेस्टी होता है। इसे आप नाश्ते में या इवनिंग स्नैक्स में भी खा सकते हैं। ये आजकल के बच्चे कुछ खाना पसंद नहीं करते हैं। अगर आप बच्चों को ये डोसे की फॉर्म में बना के देंगे तो वो बहुत ही चाव से इसे खाएंगे। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। इसे अब आप सर्व करिए हरी चटनी के साथ।